पैसा अभी मिलेगा या 15 इंस्टॉलमेंट से पहले मिलेगा, 15 इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत राव से आज की अपडेट सभी किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस किसान का इजलास पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है, एफटीओ प्रोसेस नो बता रहा है, आरएफटी सिग्नेट बाय स्टेट आ रहा है, लेकिन दोस्तों पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि उस सारे किसानों को जो पैसा है, पैसा अभी मिलेगा या 15 इंस्टॉलमेंट से पहले मिलेगा, 15 इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे किसानों का मन में आ रहा है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे 15 इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिलेगा और मुझे 14 इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है। तो दोस्तों ये सारे कन्फ्यूज हम दूर करेंगे और साथों साथ ये भी बात करेंगे आरएफटी वेटिंग फॉर अप्रूवल एफटीओ का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना होता है। दोस्तों ये सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो का अंत तक बना रहिएगा। सबसे पहले आपको किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों मैंने सभी किसान भाइयों के लिए मैंने ए टू जेड जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों का यह भी कहना है कि मैंने इजलास को ओपन करना नहीं आता है लेकिन अब तक मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। तो दोस्तों उस सारे किसानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी किसान यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर में आके सिंपली आपको चार्ज करना होगा ओनली पीएम किसान। दोस्तों पीएम किसान चार्ज करने के बाद इसमें सबसे पहला जो लिंक मिलेगा pmkisan.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों इस पर आने के बाद इसमें आपको एक नोटिफिकेशन बार दिखाई देगा, आप शायद तो इसमें जूम करके देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिलीज द 14 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम ऑन 27 जुलाई 2023, मतलब 27 जुलाई को किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा जारी हुआ था। दोस्तों उसके बाद देखिए नीचे इसमें लिखा हो रहा है अगर आपको पैसा नहीं मिला दोस्तों इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछताछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हेल्पलाइन नंबर सिर्फ इसमें ऐसे दिया हुआ है, बहुत सारे किसानों का कॉल भी नहीं लगता है। अभी देखिए नीचे इसमें ई केवाईसी किया है, लेकिन दोस्तों ई केवाईसी बहुत मैंडेटोरी है, अगर आप लोगों ने अब तक ई केवाईसी नहीं करा है सबसे पहले आप लोग ई केवाईसी करा लीजिएगा, नहीं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो इंस्टॉलमेंट है इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको जाना होगा फार्मर कॉर्नर पे। तो दोस्तों फार्मर कॉर्नर पे आने के बाद ये जो नाव योर इष्टदास है, दोस्तों नाव योर इष्टदास पर क्लिक करना होगा। नाव योर इष्टदास पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको सिंपली क्या करना होगा, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा, उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा दिखाई दे रहे सेम कैप्सा कोड इसी पर डालना होगा। बहुत सारे किसानों का यह भी कहना होता है कि मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा। दोस्तों उसी टॉपिक का ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्सा डाल के आप सिंपली ये गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी बेनिफिशियरी इजलास होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इजलास पर आने के बाद इसमें डेट मेंशन होगा, जिस दिन आपका इजलास डेट हुआ था उसी का लास्ट डेट इसमें दिखाई देगा, सभी किसानों का सेम होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद इसमें आपको एक डेट मेंशन होगा, जिसका कहना होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब है आपको पंजीकरण किया हुआ डेट, कब आपने किसान सम्मान निधि योजना के साथ जुड़ा था तब का डेट इसमें लिखा होगा। लेकिन बहुत सारे किसानों का यह भी कहना है कि मैं 2022 पर आवेदन किया है, 2020 पर आवेदन किया है, 2023 पर आवेदन किया है, मुझे कितने इंस्टॉलमेंट मिलेगी। दोस्तों अगर आपने 2019 पर आवेदन किया है तब भी आपको 14 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, अगर आपने 2022 यानी कि 20 पर आवेदन किया है तो दोस्तों आपको सभी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है इसी डेट के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से, उतने सारे इंस्टॉलमेंट आपको खाता पर मिलेगा, अगर आपको अब तक नहीं मिला है सही होने के बाद एक साथ मिल जाएगा। अभी आपको जाना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस। दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस पर सबसे बिग जो मैंडेटोरी किया है ये एलिजिबिलिटी स्टेटस। दोस्तों इस पर आने के बाद सबसे पहले आपको लैंड सेटिंग, ई केवाईसी और आधार सेटिंग, ये तीनों पॉइंट को वेरिफिकेशन आप सही से कीजिएगा। अगर आपका ये तीनों पॉइंट की जगह ग्रीन सिग्नल बता रहे हैं तो दोस्तों आपका सही है। उसके बाद आपको जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स। तो दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल एफटीओ और जो पेमेंट स्टेटस का कंप्लीट जानकारी आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की जगह मिलेगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट के बारे में।
तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी इस राशि पर दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अगर आपका दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब होता है आपका राज्य सरकार से वेरिफिकेशन रुका हुआ है, राज्य सरकार से वेरिफिकेशन जारी है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना में अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल आरएफटी पेमेंट प्रोसेस इसमें मैंडेटरी नहीं किया है। तो दोस्तों अभी सवाल आता है जिस किसान का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट बता रहे हैं उस सारे किसानों को पैसा कब मिलेगा, अभी मिलेगा या 15 इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगा या 15 इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेगा। दोस्तों जिस किसान का इसमें एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है और इसमें रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसेस के जगह कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, उसके बाद भी अगर आपका इसमें पेमेंट स्टेटस के जगह वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट बता रहे हैं उस सारे किसानों का 15 इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले ही पैसा मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है देखिए 15 इंस्टॉलमेंट मिलेगा कब। दोस्तों 15 जो इंस्टॉलमेंट है ये काफी लंबी टाइम तक रुकना होगा, ये आपको दिसंबर यानी कि नवंबर 27 तारीख को मिलेगा, उससे पहले किस्त जारी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले पैसा जारी हो जाएगा अगर आपका इसमें पेमेंटियो प्रोसीडियर्स बता रहे और इसमें रीजन ऑफ एफटी नॉट प्रोसीड की जगह ब्लैंक आ रहा है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं आरएफटी सिग्नेन बाय स्टेट फॉर इंस्टॉलमेंट। दोस्तों जिस किसान का आरएफटी सिग्नेन बाय स्टेट आ रहा है उस सारे किसानों को पैसा कब मिलेगा और आरएफटी सिग्नेन बाय इंस्टॉलमेंट अगर आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की जगह शो हो रहा है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों आरएफटी सिग्नेन बाय स्टेट का मतलब होता है आपका राज्य सरकार से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए, अभी केंद्र सरकार के पास रिक्वेस्ट भेज दिया है, यानी कि दोस्तों आपका केंद्र सरकार से चल रहा है अब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि किसान भाइयों को पैसा कब मिलेगा आरएफटी सिग्नेन बाय इंस्टॉलमेंट आने के बाद। दोस्तों अगर आपका इसमें एफटीओ प्रोसीड नो बता रहे और रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसीड की जगह ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है और इसमें पेमेंट स्टेटस की जगह आरएफटी सिग्नेन बाय इंस्टॉलमेंट बता रहे तो दोस्तों आपको 15 इंस्टॉलमेंट से पहले पैसा नहीं मिलेगा, 15 इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगा या 15 इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेगा, उससे पहले पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका इसमें एफटीओ प्रोसीड हो चुका है, इसमें स्टेटस की जगह ब्लैंक बता रहे और इसमें आरएफटी सिग्नेन बाय इंस्टॉलमेंट बता रहे तो दोस्तों आपको 15 इंस्टॉलमेंट आने से पहले पैसा मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एफटीओ, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है अभी एफटीओ। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं एफटीओ का मतलब क्या होता है। दोस्तों एफटीओ का मतलब है फंड, जो फुल मीनिंग होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, आपका नाम पर पैसा सैंक्शन होना यानी कि आपका नाम पर पैसा रजिस्टर हो चुका है यानी कि आपका खाता पर अभी पैसा जारी कर सकते हैं, इसको कहा जाता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर यस। अगर आपका इसमें एफटीओ प्रोसीड यस बता रहे तो दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका इसमें एफटीओ प्रोसीड नो बता रहे तो दोस्तों अभी आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक रुकना होगा। दोस्तों जिस किसान का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है 14 इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है उस सारे किसानों सभी किसान भाइयों को चेक करना होगा रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसीड की जगह क्या बता रहे हैं, अगर आपका इसमें कंप्लीटली ब्लैंक आ रहा है कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको इतने घबराने का बात नहीं है, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा अभी नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेगा। उससे पहले सभी किसान भाई चेक कीजिएगा डीबीटी लिंक है कि नहीं, एलिजिबिलिटी स्टेटस पर तीनों पॉइंट सही है कि नहीं, ये सारे पॉइंट को आप फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों मैंने आज ही रात यानी कल मॉर्निंग को एक वीडियो अपडेट दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों जिस किसान का सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है उसके बारे में हम अपडेट देने के लिए अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों आप सभी उस वीडियो का जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको सारे जो डाउट है क्लियर हो जाएगा और आपको इंस्टॉलमेंट पाने से आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो दोस्तों मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिएगा, किसान भाइयों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।